लोग वहां से मुड़ता है तब हम इस कॉर्नर में एंटर करते हैं, इतना ज्यादा लेट है हम। ये भाई डरा दे रहा है भाई, पता है ये भाई डरा दे रहा है मतलब। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। और आज है संडे राइड और हम लोग जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद पतरातू। और भाई ओ भाई पहुंच गए हम लोग। तो देखिए आज सुबह सुबह का सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे हम कर रहे हैं, व्हाई आर यू गे? खोलो खोलो ढक्कन खोलो, व्हाई आर यू गे? गुड मॉर्निंग गाइस, लेट हो जाते हैं सभी लोग आज। आज बड़ा दिन बाद अंकित आया है राइड में, देखो इसको। अरे देख रहा है कितना दिन बाद आए हैं। चला जाए, गुड मॉर्निंग। बाप होता है उसको चीड़ के फाड़ देगा अभी। बट रिलैक्स गाइस, हम लोग एमटी वाले हैं, हम लोग को नहीं बोलेगा कोई कुछ। समझ रहे हो, समझ रहे हो? चला जाए। और आज का मौसम भी पता है एकदम राइड करने वाला ही है, एकदम कम धूप है और पूरा मजा आने वाला है भाई आज। ओह अरे भाई 390, अच्छा 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 अच्छा। आज तो कोई नहीं सकेगा, 390 को भी नहीं छोड़ेंगे भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे आज किसी को। बच्चा लोग का एक ही डिमांड, वीली मारिए। ये BS4 ड्यूक 390 है भाई, एक बार इसका 6 गियर चढ़ गया ना तो रॉकेट है भाई, रॉकेट है। भगा दिया, देखे एक गियर डाउन किया वो और ऐसा निकला जैसे कि कोई रॉकेट हो। और देखो और 390 निकला, और देख 250। अरे भाई यार, अबे भाई, अबे अरे भाई सब निकलते जा रहा है। अरे भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई यहाँ से अपना अपन इंश्योरेंस करवा लेते हैं भाई, बहुत जरूरी है। अरे क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, देखो। अरे भारी टोटल लॉस, टोटल लॉस, क्रैश हो गया। अरे हाँ यार ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई? धीरे चला ले भाई, लोग कहाँ चला गया, ऐसा लग रहा है अकेले राइड पे आए हैं हम। वो लोग वहां से मुड़ता है तब हम इस कॉर्नर में एंटर करते हैं, इतना ज्यादा लेट है हम। शुरू में आ गए थे क्योंकि यार घाटी पे क्या होता है ना, लाइक मेरा बाइक ना फिर से हमको लगता है कि चेन मेरा ढीला हो चुका है तो मेरा टायर कांप रहा है, इसी के वजह से हम नहीं वैसे कर पा रहे जैसा हमको करना चाहिए था।
ये देखो भाई, अबे भाई देख रहे हो लीन एंगल, देखो यहाँ यहाँ तक, अरे ग्रिप का लास्ट तक टच करा दिए है वो। बाप रे, देख रहे हो लीन। ऑगी का भी वैसा ही है, ऑगी का भी वैसा ही है, देख रहे हो लीन सब, देख रहे हो इसका भी वैसा ही है, देख रहे हो पूरा एज तक। देखो मेरा यहाँ तक टच हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ होता दादा। मेरा ऐसा लग रहा था कि बाइक ज्यादा झुक रहा है, लेकिन झुक नहीं रहा था दादा, बाइक भारी है भाई, भारी सीन है। देख रहे हो इतना धुंध है कि सामने का जो एरिया दिख भी नहीं रहा, पहले यहाँ से क्लियर दिखाई देता था। अरे भाई देखो छपरी गिरी कर रहा है लोग, देख रहे हो ट्रक से इतना सटने का। अरे 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 भाई भाई मत कर भाई, ऐसे मत कर, एक गलती और ट्रक के नीचे आ जाएगा। अरे अरे बाप रे बाप, इतना इतना भयंकर। कहाँ जी साइड से घुस के निकलते हैं, है? साइड से हम डरा गए कि भाई क्या हुआ अचानक से। अब अपन चला रहे हैं BS4 390। और अरे भाई, और ये वाला ना थोड़ा सा क्या बोले, एग्जॉस्ट नोट सुनोगे इसका, सुनो। सॉरी सॉरी अबे भाई, ये बाइक में बहुत पावर है, पता है ये बाइक में बहुत पावर है। ये भाई डरा दे रहा है भाई, पता है ये बाइक डरा दे रहा है, मतलब ये बाइक को चलाने के लिए ना कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा पावर है ना कि ये आपको इनिशियल में, तो देखो अगर हम हल्का सा खींच देंगे ना, खींच देंगे मतलब कि पुल कर देंगे ना, तो ये पक्का है कि व्हीली पॉप हो जाएगा। और हम तो नूब है भाई व्हीली के मामले में, तो हम पटकाएंगे बहुत भयंकर। भाई इतना भारी पावर ना, लेकिन देखो इस बाइक में जो पावर है ना उसके हिसाब से और क्या क्या चीज आपको मिलता है। कॉर्नर रॉकेट है भाई ये, कॉर्नर पे जब आप जाओगे ना, तो बाइक रॉकेट की तरफ निकलती है। देख रहे हो 84-80 प्लस के स्पीड पे कॉर्नर में 100% कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा इसमें। ये बाइक रॉ पावर के लिए ही जानी जाती है। भाई साहब बटर स्मूथ डाउन शिफ्टिंग है भाई, और इसमें ना एक स्टॉक एग्जॉस्ट है तो उसमें वो भरभर भरभर वाला आवाज भी आ रहा है। अबे भाई इसमें रेव मैचिंग करते हैं ना, भागता है गाड़ी, भयानक। इधर ही जाना हाँ। अबे भाई भाई, लेकिन मान गए भाई पावर देता है गाड़ी। ये देखो भाई आ गए अपन,
पानी वाले जगह पे सब आ रहा है ना भाई। पॉकेट रॉकेट 390 फॉर अ रीजन भाई। कैसा लगा था? अरे बहुत पावर है भाई, बहुत ज्यादा पावर है। सेकंड गियर पे खींच दिए थे, ऐसे उठ गया था। मतलब जो होता है ना सॉकर पूरा खुल जाना, पूरा खुल गया था। अगर हम ऐसे कर देते ना तो उठ भी जाता। बन रहा है दोनों 390 का सिनेमैटिक। और वो जो गाड़ी है भाई ऑरेंज, वो पागल गाड़ी है वो, उसको कंट्रोल नहीं किया तो खत्म है खेल। बड़ा मजा आया लेकिन। देखे गाइस यही था ना वो, हाँ yes. जो 10 बार गिरा है यही है। सही में बहुत ज्यादा गिर गया। ऐसे थर्ड गियर थोड़ी हो रहा था। सेकंड मजाक है का? मजाक है क्या ये? देख निशानी, मजाक के बता के है गाड़ी बनने का। फिर गिरा था? नहीं, मजाक बना के रखे। उसके बाद हम फर्स्ट मारते ही नहीं जल्दी। देख रहा ना भाई एटीट्यूड और इन्हें अपनी गाड़ी बना के अपनी औकात दिखा दी। यहाँ पर तो गड़बड़ सीन हो गया भाई। बारिश हो रहा है और हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ता करने, लेकिन दिक्कत ये कि बारिश होगा तो हम लोग सब यहाँ फंस जाएंगे। ककरासू में क्या बोले। ओ भाई भारी है भाई, भारी सीन है। पता है ये बाइक हम जब भी चलाते हैं, मतलब जब भी फ्यूरी का चलाते हैं और अब तो एल्विस के पास भी आ गया है, जब भी ये बाइक चलाते हैं ना, बस दिमाग में बस एक ही चीज़ होता है कि ये बाइक अपने गैराज में चाहिए हमको। क्योंकि मतलब ये वाला एग्जैक्ट बाइक नहीं, 390 चाहिए भाई गैराज में यार। भाई क्या पावर है, क्या एग्रेशन है इसमें। देखो भाई यहाँ पे तो खाना खाने आए थे बट खाना तो मिला नहीं, और बारिश हो रहा है तो गोप्रो रख देने में ही ज्यादा भलाई है। भीगा तो फील्डिंग सेट हो जाएगा गोप्रो का। Hours later. देखो भाई अभी कितना बज रहा है, 10:45 हो रहा है और हम लोग अभी पतरातू में ही बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बारिश हो रहा था। अभी हम लोग नाश्ता भी कर लिए भाई, जितना देर बारिश हुआ था देर में नाश्ता कर लिया, अब निकलेंगे। और देखो भाई ये व्यू एंजॉय करो भाई, क्या बोले भाई, भयानक भयानक जगह। गाड़ी ढक के रहा था, कहाँ है?